गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा चहल एकेडमी पर आ गया आपके लिए हिस्ट्री की अगली क्लास लेकर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत पर अपना कब्जा किया, किस तरह से मराठा शक्ति हार गई, किस तरह से मुगल भी हार गए, और कैसे प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद मतलब अंग्रेजों ने पूरी तरीके से नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया पर ब्रिटिश हुकूमत शुरू कर दी। कुछ लोगों की कंपनी आई थी सर्टिफिकेट लेकर इंग्लैंड के क्राउन से और पूरे के पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लेते। इसके पहले की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा वो देखा था कि कैसे प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश एक इंपॉर्टेंट रखता था नवाबों की वजह से। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अवध के नवाब को देखा और ये देखा कि कैसे जो है वो शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और मीर कासिम बंगाल के नवाब, तीनों ने मिलकर एक गुट बनाया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आवाज उठाई, लेकिन वो पूरी तरीके से प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद, एक इलाहाबाद की संधि करने के बाद उनकी पावर खत्म हुई। कुछ तरीके से वो कुछ साल वो जिए, उसके बाद वो एक एक करके खत्म होते गए और अवध को एक लटकता हुआ चेरी समझकर जो है वो जो रहते हैं एक अंग्रेज सैनिक, अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने कहा कि अवध हमारे लिए एक चेरी। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन था जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। तो चलिए हम अगला लेक्चर शुरू करें। अगला लेक्चर जो है वो हमारा है लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का फाइनल टच देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज हुकूमत करना शुरू कर देते हैं भारत। ये नवाब वाली क्लास थी जिसका एक बार आपको रिविजन कर लेना चाहिए ताकि कनेक्शन बना रहे। अब हमारी क्लास जो शुरू होगी वो शुरू होगी ब्रिटिश के कंट्रोल से। तो देखकर ही समझ आ रहा टॉपिक ही है ब्रिटिश कंट्रोल ओवर उत्तर प्रदेश। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, इंडिया को पहले पकड़ाया। याद रखिएगा, एक ऐसा रीजन है उत्तर प्रदेश जो शुरू से एक हब बना हुआ। ठीक है, ब्रिटिश रूल्स की ये टेंडेंसी रही थी कि वो पूरी की पूरी क्या करते हैं, एक पाथ प्लान करके चलते हैं। जैसे उनको क्या करना है, कैसे करना है, वो सडन में नहीं करते, पहले वो उसका पूरा एक माइंड मैप बनाते हैं, उसके बाद उस ब्लूप्रिंट को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने भारत पर भी पूरा का पूरा क्या किया, अधिकार कर लिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे कि कहां से इनकी पावर बढ़ी और कैसे जो है मराठा और मुगल के रहते हुए भी, नवाबों के रहते हुए भी अंग्रेज इतने पावरफुल हो गए। तो कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां पर ब्रिटिशर्स आते हैं, समझ लीजिएगा इसका इतिहास। ब्रिटिशर्स आते हैं और यहां पर सबसे पहले व्यापार करना शुरू करते हैं, केवल मर्चेंट बनकर आते हैं, ट्रेड करते हैं। और कई जगहों से हमारे, जैसे अकबर के समय में राल्फ फिच आए, उसके बाद आए जहांगीर के समय में सर टॉमस रो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कैप्टन हॉकिंस, और फिर उसके बाद शाहजहां के दरबार में आए, आगे चलकर जो है औरंगजेब भी था। यहां तक में तो इन लोगों ने किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद वाले लेटर मुगल्स जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, लेटर मुगल्स ने इनको तरह तरह के फरमान दिए, जैसे गोल्डन फरमान कहा गया। ठीक है, 1717 का फर्रुख शेर का फरमान, उसकी तबियत खराब हुई, उन्होंने, अंग्रेजों ने उसको सही कर दिया, तो अंग्रेजों को उन्होंने एक गोल्डन फरमान दे दिया कि जाओ जितना व्यापार करो, लेकिन उसके बदले में हमें 3000 रुपए दे देना, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी। ठीक है, इस तरीके से इनकी शक्ति बढ़ी। ट्रेड के अलावा इन्होंने सैनिक रखना शुरू किया, आर्मी, और अपनी फोर्टिफिकेशन शुरू करी। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फोर्टिफाई कर लिया, दुर्ग बना लिया, अंदर क्या चल रहा है अब हमें नहीं मालूम। और जो मुगल थे, लेटर मुगल्स वाले बादशाह, जैसे फर्रुख शेर शाह, जहादार शाह, ठीक है, मुमर शाह रंगीला, और ऐसे बहादुर शाह जितने भी आए, वो सब उतने प्रोमिनेंट नहीं थे, उनको अंग्रेजों की हरकतों से कोई मतलब नहीं था। और उसी समय एक मराठा शक्ति भी डेवलप हो रही थी, शिवाजी, संभाजी, शाहूजी, राजा राम और पेशवा बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, ये सब लोग चल रहे थे, पैरेलल चल रहे थे अंग्रेजों के। तीन ही शक्ति थी भारत में, पेशवा या मराठा, मुगल और अंग्रेज। इधर से उत्तर प्रदेश के नवाब भी लड़े पड़े थे। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे कि आखिर क्या हुआ। ट्रेड करते करते आर्मी रख ली, फोर्टिफाई कर लिया, क्योंकि मुगलों की गलती थी और पूरे भारत पे अवध के नवाब शासन नहीं कर रहे थे, अवध के नवाब अवध में, बाकी भारत पे जिम्मेदारी थी मुगलों की, लेकिन मुगल अकुशल निकले, उतने योग्य नहीं निकले, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने हैंडओवर ले लिया।
तो बताएंगे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ जिसमें अफगान आए, कौन था? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा कौन थे? नादिर शाह, जो हमारे यहां से कोहिनूर का हीरा छीन कर लेकर जाते हैं, ठीक है। चलिए, मराठाओं ने बहुत कोशिश करी, काम थी, जिम्मेदारी थी किसकी? मुगलों की, लेकिन मुगल उस समय योग्य नहीं थे। मराठाओं ने कोशिश करी और तीसरा बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जो जाना जाता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, वो लड़ा और मराठे बुरी तरह हार गए। इस समय पेशवा थे लेकिन उनकी शक्ति उतनी नहीं रही। कहते हैं कि पेशवा दुख के कारण जो है मर जाते हैं, और उसके बाद के जितने भी हैं मराठा आपस में लड़ भिड़ते हैं सत्ता को लेकर, उतने डेवलप नहीं कर पाते, और यहीं से अफगानी अटैक की वजह से मराठा शक्ति भी टूट गई, मुगल्स तो वैसे भी टूट चुके थे, अब एक शक्ति ही बचती है, वो बचते हैं ब्रिटिशर्स, और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अब किसके हाथ में चला जाता है? ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है। अब ब्रिटिशर्स शासन करना शुरू करते हैं। तो सही से देखा जाए तो उत्तर मुगल की कमियां, मराठाओं की, अहमद शाह अब्दाली से हार एक बड़ी हार थी और जरूरी भी था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली मराठाओं से काफी प्रोमिनेंट थे, और मराठा चौथ और सरदेशमुख देशमुख से कितनी ही सेना, कितना ही धन कमा पाते जो युद्ध के लिए ठीक खड़े उतरते। अब एक पावर बची, नवाब भी धीरे धीरे खत्म हो चुके थे, तो यहीं से ब्रिटिशर्स की पावर शुरू होती है और धीरे धीरे वो कंट्रोल अपना बढ़ाना शुरू कर देते। क्या क्या देखा हमने? कि पहले इन्होंने इलाहाबाद की संधि से, बक्सर के युद्ध से कमर तोड़ दी। दूसरा हमने देखा कि मराठाओं ने, मराठाओं की कमर अफगानी अब्दाली से टूट गई। मुगल लेटर, मुगल्स बर्बाद वैसे भी थे, वो दूसरी चीजों में लिप्त हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन से ध्यान हटा लिया। अब अंग्रेज आगे बढ़ते, उनके सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं रहता। कब से लेके कब तक कोई ऑब्स्टेकल नहीं रहता? तो बताएंगे कि सर 1757 प्लासी के बैटल ने स्टेप लिया, 1764 में बक्सर ने डिसाइड कर दिया आगे चलकर ये कम से कम कुछ नहीं, तो 1757 प्लासी से शुरू करते हैं और 1857 तक 100 साल लगातार हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और विद्रोह भी 1857 1857 की क्रांति होती है तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही शुरू होती। तो आइए चलिए देखें, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, नजीब खान जो कि बरेली के मेरठ के राजा थे, रहमत खान रोहिला खंड के राजा थे, और सादतुल्ला खान, और भी कुछ ऐसे अदर प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो अब्दाली सपोर्टेड, अब्दाली इन दिस बैटल। अब आप खुद सोच लीजिए, अहमद शाह अब्दाली भारत पर अटैक करता है, केवल भारत मराठाओं का नहीं था, बहुत से लोगों का था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ से जो लोग थे, जितने प्रमिनेंट लोग थे, इवन हमारे नजीब खान जो थे, जो कि मेरठ से थे, उत्तर प्रदेश से, उन्होंने मराठाओं का सपोर्ट करने की बजाय बाहरी आक्रमणकर्ता अफगानियों को सपोर्ट कर दिया, ठीक है। इसके पहले लोधी थे, इसके पहले हमारे जो है सूर सूरवंश था, शेरशाह सूरी भी थे, वो यहाँ आकर शासन करने के मूड में थे, ठीक है, तो हम लोगों ने इनका मदद किया था। लेकिन अब वो बंदा जो है विदेशी आक्रमण करता है, अहमद शाह अब्दाली लूटपाट करने आया है, लूटपाट करने आया है तो उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया मराठाओं का, उल्टा अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो आसानी से जीत कर यहाँ से सारा सामान लूट कर लेकर चला गया। भारत की इकोनॉमिक पर एक कड़ी चोट पहुंचती। आगे हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर, शाह आलम सेकेंड, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अपने बंगाल के नवाब मीर कासिम भी एक संधि बनाते हैं, जिसको मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक बैटल होता है, वो कौन सा बैटल होता है? बक्सर का बैटल। बक्सर के बैटल में फाइनली क्या होता है? अंग्रेज जीत जाते हैं, क्लाइव जीत जाता है, और फाइनली क्या करता है? एक संधि करता है जिसको हमने नाम दिया था अलाहाबाद की संधि। अलाहाबाद की संधि के तहत इसकी दो संधियां होती है, इलाहाबाद वन इलाहाबाद टू, पढ़िएगा जरूर। इसी के तहत अंग्रेजों की शक्ति यहीं से एकदम दृढ़ हो जाती। अब ये द्वैध शासन, मतलब क्या द्वैध शासन का मतलब होता है? बाई कैमरल टाइप का। इसमें क्या होता है कि दो तरीके से, एक तो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन और दूसरा होता है फाइनेंस एंड रेवेन्यू वाला सेक्शन। इन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि रेवेन्यू वाला और पावर वाला पोर्शन हमारे पास रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग वाला डिपार्टमेंट तुम्हारे पास है, और इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, शासन शुरू किया, और जान गए कि तीन लोग मिलकर भी तीनों बड़ी पावर अंग्रेजों को नहीं हरा सकती। अंग्रेज भी शोषण करना शुरू करते हैं 100 साल लगातार, 1757 से
1857 तक, और अगले 100 साल में 1957 तक हमारा देश आजाद है। हम 200 साल तक झेलते हैं इनको, उसके बाद खदेड़ कर बाहर निकालते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमिलिएटिंग डिफीट बक्सर ऑफ बैटल में जो हुई, मुगल एम्पायर उससे टूट गया, अवध के नवाब भी क्या हुए, पूरी तरह से टूट गए, और इन दोनों को पपेट बना लिया। अब जैसा ब्रिटिश कहेंगे उनके हाथ के अनुसार नाचना, पपेट बन गए, रबर स्टाम्प बन गए। मीर कासिम को भी क्या किया गया, वो भी अपनी जान बचाने के लिए संधि कर लेता है, और लास्ट में उसकी जगह पर उसके दूसरे भाई को बैठा दिया था। नवाब अगर अवध का अगर देखा जाए तो मराठाओं से वो क्या करते हैं, हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन मराठा खुद अपनी चीजों से जो है लड़ रहे थे, उनके रेवेन्यू की प्रॉब्लम थी और उनका एक्सपेंशन नहीं हो रहा था। और भी उनके समय में शिवाजी एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया जो एक प्रोमिनेंट लीडर था, उसके बाद साहू जी, संभाजी या राजा राम या फिर जो रानी थी उनकी, ठीक है, ताराबाई या जो भी आया, ठीक है, वो बहुत बड़ी काम नहीं कर पाए। एक था साहू जी जिसके अंदर में 3 पेशवा हुए, 2 बारी मराठा चमके जिंदगी में, एक बार शिवाजी के समय में, एक बार साहू जी के समय, ठीक है। बट इसीलिए मराठा भी उनको कोई कुछ खास वो नहीं दे पाए। हाउएवर ब्रिटिश को पता चल गया कि भैया ये बुरी तरह से हारे हैं ये लोग, मराठाओं की भी वो डोमिनेट कर जाती है मराठाओं को, और नवाब थे एक जाजमऊ में, ठीक है, कानपुर में, क्या करते हैं ब्रिटिशर्स उनको हरा देते हैं। किसको, जो जाजमऊ में कानपुर में युद्ध होता है वहां के नवाब और मराठा मिलकर लड़ते हैं। मतलब मैं इसको सरल भाषा में समझाऊं अगर ये नहीं समझ आती, जब हम लोग बक्सर का युद्ध हार गए तो अवध के नवाब को ध्यान से समझिएगा, इसने प्लान किया कि यार देखो मुगल हमारा साथ नहीं देने वाले, अब हम बचे अवध के नवाब और एक शक्ति अंग्रेजों को टक्कर दे सकती है, वो कौन थी, मराठा। मराठा और अवध के नवाब दोनों मिले, दोनों कमजोर, दो कमजोर लोग मिलकर शक्तिशाली तो बने लेकिन ब्रिटिशर्स से वॉर नहीं कर पाए। ये लोग लड़े किससे, ब्रिटिश, कहां पर लड़े तो बताएंगे कि सर ये जो वॉर होता है कानपुर के आसपास होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स क्या करते हैं सारे जो है वो सेक्शन को, इन दोनों को संयुक्त रूप से हराते हैं, मराठा और अवध को हराते हैं, और ब्रिटिश क्या होते हैं, जीत जाते हैं। और करते क्या है, कंपेल्ड द किंग ऑफ बनारस चेत सिंह टू एक्सेप्ट देयर सुप्रीमेसी, क्योंकि अब अवध फिर से हारा, एक बारी बक्सर के युद्ध में हारा था अवध, दूसरी बारी जो है इस वाले जाजमऊ कानपुर वाले युद्ध में भी हार गया अवध, मराठा भी उधर से हार गए। अब अंग्रेज चाहते थे कि इनको उखाड़ फेंकना, और इस वजह से उन्होंने मजबूर किया, कंपेल किया, बनारस के एक राजा थे उनका नाम था चेत सिंह, और उन्होंने कहा कि अब मान लो कि अब की मत लड़ना, आप की लड़ोगे तो मार दिए जाओगे। हमारी मुगलों ने भी मान लिया, मराठाओं ने भी मान लिया, बंगाल के नवाब ने भी मान लिया, अब अवध के नवाब जो हैं वो सुन लें कि सुप्रीम पावर एक है, वो है केवल ब्रिटिशर्स। चलिए अब आगे देखते हैं। ब्रिटिशर्स ने प्रूव तो कर दिया कि सारा कंट्रोल अब उत्तर प्रदेश का हमारे पास। कैसे गया उत्तर प्रदेश का कंट्रोल, समझ में आया, आइए। लेकिन अभी एक बंदा खड़ा था इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, तो क्या वो आवाज है, शायद उठा पाए, चलिए देखते हैं। आफ्टर सफरिंग, सॉरी ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला और बाकी सारे जो नवाब थे 1797 के बाद, आसफ के ब्रदर सादत अली और भी बहुत सारे लोग नवाब बने। सादत अली ने क्या किया, प्रयागराज का रीजन, गोरखपुर का रीजन, रोहेलखंड का रीजन, कानपुर का रीजन, फतेहपुर का रीजन, इटावा, ईटानगर, ईटा, साउथ मिर्जापुर, कुमायूं का सेक्शन, और ये सारी चीजें किसको दे दी, ब्रिटिश को दे दी। और क्यों दे दी, फॉर अ सिक्योरिटी गारंटी बाई देम। मतलब क्या, क्यों दे दिया उनको, सोचकर बताओ कि भैया अब हम अवध में ही शासन करेंगे, इधर उधर हाथ पैर नहीं मानेंगे, लेकिन हमें अवध का नवाब रहने दो, इसके बदले में कुछ प्रोमिनेंट सेक्शन जो तुम्हें चाहिए जिससे तुम राजस्व से उठा सको वो हमसे ले लो, तो तुम भी शासन करो हम भी शासन करो, हमें चाहिए इज्जत और थोड़ा क्षेत्र शासन करने के लिए, तुम बाकी सामान, बाकी जो उत्तर प्रदेश का एरिया ये ले लो। तो इन्होंने इतने बड़े उत्तर प्रदेश का एरिया उनको दिया, और कुछ समय बाद नवाब भी क्या हुए, फाइनली खत्म हो जाते हैं। कहते हैं द नवाब ऑफ फर्रुखाबाद आल्सो सीडेड हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिश, जो फर्रुखाबाद के जो नवाब थे उन्होंने भी अपना एरिया उनको दे दिया और ब्रिटिश के अंडर में चले गए। और इस तरीके से ब्रिटिश ने पूरा का पूरा कंट्रोल अलीगढ़ का,
मेरठ का, आगरा का, झांसी का, बांदा का, हमीरपुर का, जालौन का और भी अगल बगल के जो भी क्षेत्र हैं, 1803 तक पूरी की पूरी तरीके से जीत लिया। ऊपर से मराठाओं को हराकर मराठा पोर्शन भी जीत लिया। इस तरह से पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का एंटायर एरिया उत्तर प्रदेश का अंडर कंट्रोल चला जाता है ब्रिटिशर्स। कैसे कैसे गया समझिए। फर्स्ट स्टेप हुआ 1757 प्लासी, बंगाल चला गया, मुगल चले गए, अवध चला गया। दूसरा वॉर होता है 1764 में बक्सर, अवध के नवाब हार गए। अवध के नवाब ने प्लान किया कि यार चलो एक बार 1764 में हारे तो जाजमऊ कानपुर के पास फिर से अवध के नवाब और मराठा मिलते हैं, प्लान करते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन फिर से हार जाए तो मराठाओं को पनिश कर देते हैं ब्रिटिशर्स, फिर अवध के नवाब को भी पनिश करते हैं। बट अवध के नवाब कहते हैं कि नहीं, हम क्या है, हम रहेंगे अपने क्षेत्र के नवाब, आपको कुछ एरिया दे देते हैं, रहिए। तो अवध के नवाब कुछ साल तक शासन करते हैं, उसके बाद आखिरी नवाब जो रहते हैं वो भी जो है अपना एरिया दे देते हैं। तो इस तरीके से 1564 अवध के नवाब वाला युद्ध जो होता है ये भी हो जाता है 1780 के करीब में, और फाइनली समय आता है 1802 का। और 1802 में क्या होता है, 1802-3 में फाइनल हार जाते हैं और ये एक बचा हुआ एरिया भी हम क्या करते हैं अंग्रेजों को दे देते हैं। 1802 तक उत्तर प्रदेश एक एक स्टेप करते करते अपना सारा प्रोमिनेंट एरिया ब्रिटिशर्स को दे देते, और इस तरह से इंटायर उत्तर प्रदेश बचता है केवल कहां पर, बंगाल प्रेसिडेंसी के पास कुछ साल तक। उसके बाद कहां चला जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में चला जाता है। मतलब आपको पता होगा कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पहले बंगाल का गवर्नर बनाया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बनाया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, आगे चलकर क्या हो गया, उसको वॉयसराय बना दिया। तो सारा उत्तर प्रदेश किसमें चला गया, बंगाल में मिल गया। अब बंगाल का ही जो गवर्नर जनरल है वो बैठकर उत्तर प्रदेश पर शासन करेगा, और यही नियम बना। 1833 तक तो ऐसे ही नियम थे, धीरे धीरे आगे चलकर रिकॉग्निशन मिली किसको, आगरा प्रेसिडेंसी को, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर आगरा प्रेसिडेंसी मिली। और रिजल्ट क्या हुआ, पूरी तरह से एक गवर्नर बन गया उसका, क्या गवर्न बाय द न्यू गवर्नर जनरल, क्योंकि ये पहले बंगाल का गवर्नर जनरल ही सारे भारत उत्तर भारत पे कोशिश कर रहा था संभाल दे, लेकिन इतना बड़ा एरिया है अकेले नहीं कर सकता था, तो उसके लिए क्या किया गया, अवध वाला सेक्शन जो कि आगरा वाला सेक्शन था वो थोड़ा सा पोर्शन अलग करके एक और प्रेसिडेंसी बन गई, बंगाल प्रेसिडेंसी के अलावा आगरा प्रेसिडेंसी। अब इसका गवर्नर जनरल अलग है और आगरा का गवर्नर जनरल अलग हो गया, और इस तरीके से फिर से क्या हुआ, बाइफर्केशन करके उत्तर प्रदेश पर एक अपना आदमी इन्होंने बैठा दिया। अब पूरी तरह से अंग्रेज उसको अपने हिसाब से चलाते। आइए, ये चला कब तक, तो बताया मैंने 1803 तक तो हमने देखा कि हमारे हाथ से उत्तर प्रदेश चला गया। 1803 से लेके 1857 तक तो किसानों का उत्तर प्रदेश में खतरनाक लेवल पर शोषण किया गया, जितने राजा थे उनको पनिश करने के लिए, उनको इंसल्ट करने के लिए तरह तरह के कांड किए गए। पीजेंट्री मतलब किसान, टेनेंट्री मतलब मजदूर, ये दोनों लोग अंग्रेजों से बिल्कुल त्रस्त आ चुके थे। कानपुर के नाना की पेंशन रोक दी, भले ही कानपुर के नाना जो थे उन्होंने वो धुंधु पंत भी थे वहां पर, और कानपुर के नाना को ही धुंधु पंत कहते थे, और तात्या टोपे भी थे, उनको भी इशू हो गया। अंग्रेजों ने उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि जो पेंशन पेंशन पैसा दौलत जो भी थोड़ा बहुत उनको राजा के नाम पर मिलता था, उनकी प्रेसिडेंसी के हिसाब से जो उनको उनके प्रोविंस के हिसाब से मिलता था, उसको इम्पीरियलशिप कहते थे, किंग राजा लोग होते थे ना, राजशाही शासन करते थे अंग्रेजों के दरबार में, वो भी देना बंद कर दिया। झांसी की रानी को दत्तक पुत्र वाले इशू में फंसा दिया, ठीक है, बेगम हजरत महल की रिस्पेक्ट वाली कोई इशू आई। इसके अलावा सैनिकों को उन्होंने दाढ़ी मूछ रखने को मना कर दिया, बोला समुद्र पार जाओ, बोला तिलक मत लगाओ, बोला पगड़ी मत बांधो, तरह तरह की बातें, जो टर्बन होती है वो पहनते थे वो राजपूत लोग, कट्टा कटार नहीं रख सकते, तरह तरह के चल तरीके से इन्होंने हमें डोमिनेट किया। सहायक संधि लाए, वेलेजली की, डलहौजी की राजहड़प नीति आई जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, तरह तरह के टैक्सेस आए, व्यापार में टैक्स लगा दिया, आर्किटेक्चर में टैक्स लगा दिया, क्राफ्ट में टैक्स लगा दिया, और हमें क्या करिए दबाने लगे, नील की खेती जबरदस्ती करवाने लगे। इन सारी चीजों से त्रस्त होकर पीजेंट्री, टेनेंट्री और सेपवाय, तीन लोग, किसान, मजदूर और सिपाही, और मध्यम वर्ग की तो बात ही मत करो, ये कभी बीच में नहीं आया, ये तीनों लोगों ने क्या किया, विद्रोह खड़ा किया। और विद्रोह खड़ा हुआ तो
तो वही कहलाता है रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, उत्तर प्रदेश में ही होता है, एक्चुअली पूरे भारत में। कहते हैं आरसी मजूमदार, आपने सुना होगा विनायक दामोदर सावरकर आरसी मजूमदार का, इनके ऊपर स्टेटमेंट आता है, कुछ लोग कहते हैं कि न तो ये पहला विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, न तो ये जो है राष्ट्रीय था, न तो ये भारतीय विद्रोह था, क्षेत्रीय स्तर पर था, उत्तर प्रदेश के कुछ सेक्शन में हुआ, और ये केवल एक सिपाही का विद्रोह था। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम विद्रोह था, कुछ कहते हैं कि बार्बरिक जाति का मतलब हिंदुओं का मतलब भारत का सभ्य जातियों के खिलाफ आंदोलन हो गया। कुछ लोग कहते हैं कुछ विद्रोह द्रोह कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, छोटा सा एक क्या हुआ था, रिवॉल्ट था। तो कई तरह से इसको जो है लोग इंसल्ट भी करते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि ये कहते हैं कि इसको वेल प्लान करके बनाया गया, रोटी और कमल घुमाया गया, लोगों को डेट बताई गई कि 10 मई डेट है और इस दिन हम लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, ठीक है। विद्रोह का केंद्र बताया गया कि दिल्ली से विद्रोह होगा, लेकिन सबको ये चीज बता दी गई कि विद्रोह होने वाला है, सब लोग प्लान कर लो, अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलना है। लेकिन उसी समय में एक घटना घटी, रॉयल इनफील्ड करके, ठीक है, एक इनफील्ड करके ब्राउन कलर की, ब्राउन इनफील्ड कहते थे उसको, ब्राउन इनफील्ड में कारतूस भरने के लिए मुंह से खोलने वाला एक वो बना दिया गया, और मुंह से खोलने में ये पता चला कि जिस कारतूस को मुंह से खोल रहे हैं, खोलकर गन में ऐसे पाउडर भरते थे, ठीक है, ऊपर से खोला, मुंह से खोला ऐसे ढक्कन, और उसमें गन में भरा, बंद करके गोली मारी। तो पता चला जिस चीज को हम मुंह से खोल रहे हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों की जो जमीर को, दोनों की रिस्पेक्ट को आहत पहुंचा रहा है। अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र किया, मेरठ में बवाल हो गया कि ये जो कारतूस मुंह से तुम लोग खोल रहे हो ये गाय और सुअर के चमड़े से बना, और कोई जानवर का नाम नहीं आया, गाय का नाम आया क्योंकि हिंदू चढ़ते थे, और सुअर का मांस आया क्योंकि मुस्लिम चढ़ते थे। इन्हीं दोनों चीजों को लेकर मेरठ में मंगल पांडे ने अपने जो कि एक सैनिक हुआ करते थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो आर्मी थी ब्रिटिशर्स की, उसमें एक सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया, और जो कहते हैं कि इन्होंने जनरल बाग को गोली मार दी, ठीक है, जनरल बाग थे, ठीक है, आपने सुना होगा जनरल बाग बड़े फेमस थे, उनको बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे, उनको गोली मार दी और विद्रोह कर दिया, हाथ में बंदूक, ढेर सारे सिपाही अपने साथ ले लिए, लेकिन कहते हैं कि इनको बाद में इनको इलिमिनेट करवा दिया था जो है वो अंग्रेजों ने। तो यहीं से कहानी शुरू हुई, कहानी की डेट थी 10 मई, लेकिन हो गई क्या, अप्रैल में, अप्रैल में ही 8 से 9 अप्रैल के करीब में मंगल पांडे मार दिए जाते हैं, अप्रैल के बाद मई आता है, और 1 महीने पहले ही ये कहानी शुरू हो गई। तो ये जो एक प्लान करके लड़ने वाले थे वो मंगल पांडे ने गड़बड़ कर दिया, और गड़बड़ भी क्या, उस समय में वो नाराज हो जाते हैं और तुरंत का तुरंत जो है वो एक्शन ले लिया, थोड़ा सा धैर्य रख कर करते तो एक बड़ा विद्रोह हो सकता था, लेकिन सब लोग धैर्य खो चुके थे, अब धैर्य बिल्कुल नहीं रखना था क्योंकि हद पार कर चुके थे अंग्रेज, इन्होंने विद्रोह किया। और उसी समय में झांसी की रानी के दत्तक पुत्र वाला इशू, सर जनरल ह्यूरो चले गए, कानपुर के नाना की जो वो इशू थी, तात्या टोपे की इशू थी, हजरत महल की इशू थी, खान अब्दुल गफार खान बरेली में बैठे हुए थे, ठीक है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है ना, किसको कहा जाता है, बरेली में कोई और था, फ्रंटियर गांधी जो थे उधर गफार खान थे, और मेरे कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग बैठे थे बस उत्तर प्रदेश में कि एक इशारा मिले तो विद्रोह करें, और यहीं से विद्रोह पनपा और चलना शुरू। कहते हैं कि विद्रोह चलते चलते मुगल बादशाह के महल तक गया, वहां के लोगों के कैदियों को छुड़ाया और मुगल बादशाह को अपनी तरफ कर लिया। उस समय में बहादुर शाह जफर हुआ करता, जिसने मदद करी 1857 की क्रांति में, लेकिन लास्ट में अंग्रेजों की दमनकारी नीति ने इस सारे जो है विद्रोह को पूरी तरह से दमित कर दिया। बंगाल के कुंवर साहब थे, ठीक, कुंवर सिंह भी थे, काफी बूढ़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, लड़े उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन कुछ हम लोग कर नहीं पाए, फाइनली दमन कर लिया। नील, कर्नल टॉड, कर्नल नील, कैंपबेल, वेलेजली और ऐसे बहुत से सब जनरल ह्यूरोज, बहुत से दमनकर्ताओं ने पूरी तरह से इसको तोड़कर रख दिया, और फाइनली 1857 की क्रांति बस याद में इतिहास के रूप में रह गई, सारे लोगों को इलिमिनेट कर दिया गया, मार दिया गया, या कुछ लोगों को देश के बाहर भेज दिया गया, और इस तरीके से 1857 की उत्तर प्रदेश की रिवॉल्ट खत्म होती है। एक लेक्चर के रूप में मैंने आपको बताया, कहानी जैसे याद हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि कौन कहां से लड़ रहा था, तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी, इनका दमन किया है कैंपबेल ने, याद रखना। अगर हम बोले कानपुर के नाना थे, ठीक है, बिरजिस कादिर थे,
प्लस नाना साहब भी लड़ रहे थे कानपुर से, और तात्या टोपे भी कहां से थे, तो बताएंगे कि सर ये लोग कानपुर वाले थे। ठीक है, तो ऐसा ऊपर नीचे है, मैं इसको लाइन बनाकर आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी और बिजरिस कादिर थे, ऐसे याद रखिएगा। कानपुर से कौन था, तो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब और तात्या टोपे का एक नाम पूछता है कि नाना साहब को धोंधू पंत और तात्या टोपे के रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता। झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई संभाली हुई थी। अगर मुझे इलाहाबाद में कौन था, तो मौलवी लियाकत अली खान, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद वाला। फैजाबाद की अगर बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला थे। बरेली से खान बहादुर खान थे, ठीक है, खान बहादुर खान। मथुरा की अगर बात करें तो देवी सिंह थे। कालपी से कौन लड़ रहा था, तो तात्या टोपे कालपी भी संभाले थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला थे। जगदीशपुर से अपने कौन थे, बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार वाला पोर्शन। तो कभी जगदीशपुर कहे या बिहार कहे तो याद रखिएगा, बूढ़े तो थे कुंवर सिंह, लेकिन इन्होंने बिहार से जगदीशपुर से पूरा सेक्शन संभाला। गोरखपुर से कौन था, तो बताएंगे गजधर सिंह थे। देखिए पूरा विद्रोह एक्चुअली ठीक सही से समझिए तो कहां से हुआ है, उत्तर प्रदेश में ही हुआ, जबकि पूरे भारत में ये विद्रोह होना चाहिए, और इसीलिए उत्तर प्रदेश फिर से मॉडर्न हिस्ट्री में भी प्रोमिनेंसी कंटेन कर लेता। समझ गए मेरी बात, चलिए आगे देखते हैं। याद रखने वाली बात थी, और इस तरीके से ये रिवॉल्ट शुरू होता है। जैसा मैंने आपको कहा, रोटी और कमल घुमाकर लोगों को जागरूक किया गया। ठीक है, कमल बोले तो लोटस, ठीक है, रोटी मतलब बोले तो ब्रेड, ओके। और जो है पहली फर्स्ट फाइट थी फ्रीडम को लेकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ, काफी साल बाद ये युद्ध हुआ। ब्रिटिशर्स को हार जाना चाहिए था, लेकिन हमने जैसा कि बताया 10 मई को प्लान हुआ था मेरठ में, ठीक है, ये रिवॉल्ट शुरू होना था, लेकिन हुआ क्या, पहले हो गया बिठूर में कानपुर के नियर, क्या हुआ, ये रिवॉल्ट प्लान किया गया था लेकिन हुआ नहीं, जैसा कि मंगल पांडे ने पहले ही कर दिया। आगे चलकर हम लोगों ने ये 10 मई वाला प्लान रखा, लेकिन अब अंग्रेजों को पता डेट चल गई, मंगल पांडे ने विद्रोह किया। अब अंग्रेज समझ गए थे कि ऐसा अगर विद्रोह हमारे क्षेत्र में रहकर हमारे ही आर्मी के अंडर में काम करने वाला आदमी कर सकता है, तो डेफिनेटली ये लोग प्लान कर रहे होंगे। और अंदर से कुछ जासूस और कुछ होते हैं ना दगाबाज, जिनको हम ट्रेटर कहते हैं, गद्दार, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को डेट बता दी, अंग्रेज 10 तारीख के लिए प्रिपेयर हो गए। कुछ लोगों ने जो है पहले विद्रोह कर दिया, कुछ लोग वेट कर रहे थे कि नहीं 10 तारीख को करेंगे, और 10 तारीख को अंग्रेजों ने वेल प्लान किया हुआ था कि जहां जहां विद्रोह होगा उसका दमन कर देंगे। और फाइनली 10 तारीख को विद्रोह हुआ बिठूर कानपुर के निकट में। फाइनली रिवॉल्ट बड़े लेवल पर हुआ, नाना साहब भी तैयार थे, धोंधू पंत जिनको कहा जाता है, अजी मुल्ला भी तैयार थे बिठूर में, और इस तरीके से सारे लोग वेल प्रिपेयर्ड हो चुके। ठीक है, और ये हुआ कि 10 मई नहीं, हम डेट एक्सटेंड कर लेंगे 31 मई, लेकिन जो भी हुआ समय नहीं था, समय ये था कि विद्रोह कर देना ही बुद्धिमान। चलिए खैर भाई, दो 1857 का विद्रोह शुरू होता है। बहुत सारे इंडियन सिपाही ने क्या कर दिया, गोली चलाने पर मना कर दिया कि हम भैया जो विद्रोह करता है उनके ऊपर गोली नहीं चलाएं, हमें आप जॉब से निकाल दीजिए, आप हमें पनिश करिए, कुछ करिए, लेकिन ये अपने लोग हैं, हम इन विद्रोह करता 1857 के विद्रोह करता वाले लोगों पर, हिंदू मुस्लिम पर गोली नहीं चलाएं। हिंदुओं ने भी मना किया और मुस्लिमों ने भी मना किया, ऐसा नहीं कि आपस में लड़ गए ये लोग, यहां पर एकता दिखाई। और फाइनली क्या हुआ, जो मैंने ये बताई थी कि भैया जो मंगल पांडे के समय में काऊ और पिग वाला इशू था, वो भी यहाँ पर मेंशन। तो देयर इज नो नीड टू गो थ्रू इट, आई हैव टोल्ड यू ऑल द थिंग्स। आगे आगे बढ़ते हैं। 29 मार्च को होना था, कब, 10 मई को, बट हुआ कब, 29 मार्च, क्या हुआ, 34वीं नेटिव के रेजिमेंट से, इन्फेंट्री से एक मंगल पांडे नाम का आदमी आया। उसे पता चला कि यार ये सेपॉय जो लोग थे उनसे ओपन करवाया जा रहा है काऊ, काऊ और पिग के वो कारतूस, जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया। और उस गन का नाम भी मैंने बताया था, याद रखिएगा, उस गन का नाम था ब्राउन बेस इनफील्ड। ब्राउन बेस एक गन होती थी, उसको हटाकर इनफील्ड लेकर आए, और इनफील्ड में मुंह से खोलकर कारतूस भरा जाता, ब्राउन बेस को इलिमिनेट कर दी गन को। अब इसमें काऊ और पिक का जो है वो अगर मुंह से टच हो जाए तो धर्म भ्रष्ट होता है, इसीलिए वो ब्राह्मण थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और कहते हैं ये विद्रोह बड़े लेवल पर हुआ,
लेकिन अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया। कहां से बिलोंग करते थे? तो 34वीं सेंचुरी से। कहां पर थे वो? बलिया के थे, मंगल पांडे। फाइनली उन्होंने किसको मारा? मैंने क्या नाम दिया था? कर्नल बाघ। मंगल पांडे ने मार दिया। देखेंगे यहां पर कहीं पर आपको दिखेगा कर्नल बाघ को मार देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से उनको क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। सिपाही म्यूटनी जो होती थी वो खत्म हो गई। मंगल पांडे को इलिमिनेट कर दिया गया, उनके बाकी साथी साथियों को इलिमिनेट कर दिया गया, और ये म्यूटनी यहीं पर खत्म हो जाती। फिर आगे के लोग और नाराज होते हैं, कहते हैं कि बड़े लोग जो विद्रोह कर रहे थे वो कहां चले गए? दिल्ली में। कहते हैं उन्होंने जो विद्रोह शुरू किया 10 मई को, विद्रोह 10 मई को शुरू हुआ और 12 मई को ये लोग कहां पहुंचे? प्लान था मंगल पांडे के इलिमिनेशन के बाद क्या हुआ, अप्रैल में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। सब लोग वेट किए, कुछ लोग तो ऑन द स्पॉट विद्रोह किए, उनका भी दमन हो गया, लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग वेट किए कि जो हमारी डेट है उसी दिन विद्रोह करें। कुछ लोग कह रहे कि डेट आगे बढ़ा दो, अंग्रेजों को पता चल चुका है, लेकिन 10 मई जो डेट थी उस पर विद्रोह हुआ। 10 से 11 मई और होते होते 12 मई, 2 दिन के अंदर विद्रोह करते करते कहां चले गए? दिल्ली। दिल्ली जीता और दिल्ली के वहां पर जो बैठे हुए थे कौन? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय, मुगल बादशाह, उनको मिला लेते हैं अपनी तरफ, उसको बनाते हैं कि चलो अब तुम राजा फिर से हो, अंग्रेजों ने तुम्हारी पावर को तोड़ दिया था, हम लोगों ने विद्रोह किया है, अब हम तुम्हें राजा बनाते हैं। और बहादुर शाह को राजा बनाया और फिर से लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, बनारस, प्रयागराज, हर जगह विद्रोह शुरू कर दिया। मतलब अब मुगल बादशाह के अंडर में विद्रोह चल रहा था, और मुगल बादशाह को शक्ति दी कौन? तो विद्रोहकर्ताओं ने कहा कि तुम हमारे बादशाह हो, तुम बताओ, तुम लीड करो। तो इन्होंने बेगम हजरत महल को बताया, झांसी को बताया, सबको बताया कि सब लोग विद्रोह करो, हम लीड कर रहे हैं। एक प्रोमिनेंट लीडर चाहिए था, तो वो मेन लीडर हमने किसको बना दिया? थोड़ा डरा हुआ था अंग्रेजों से, लेकिन हमने उसको बना दिया। और इस तरीके से नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बाकी झांसी में, लखनऊ में, बेगम हजरत महल अवध में, ठीक है, इस तरीके से विद्रोह करती है, लेकिन ब्रिटिश बुरी तरह से इन सारे विद्रोहों का दमन कर देते। द रेबेल कैप्चर्ड कानपुर 5 जून एंड डिक्लेयर्ड नाना साहब एज द पेशवा। जैसे ही 5 जून को विद्रोह हुआ, नाना साहब को पेशवा बना दिया गया, क्योंकि नाना साहब मराठा थे और उनको पेशवा बना देना बुद्धिमानी बना दिया हम लोगों ने। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस आता है, उसको मार दिया जाता है, किसके द्वारा? विद्रोहियों के द्वारा। एक कर्नल बाघ को मारा, कई जगहों पर अंग्रेज ऑफिसर्स भी मारे हम लोगों ने, दिल्ली में भी मारे, लेकिन उतने मारने से कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लॉरेंस को मारा जाता है। फिर लक्ष्मीबाई आती है, लक्ष्मीबाई किससे लड़ती है? तो बताएंगे कि ये कर्नल ह्यूरोज से लड़ती है। कई बारी कई अंग्रेज उसने भी मारे, लेकिन कर्नल ह्यूरोज नहीं मर पाया। बहादुर खान जो थे वो भी क्या हुए? बरेली में जो है नवाब बन जाते हैं, ठीक है, नवाब निजाम बन जाते हैं। ब्रिटिश पावर देख रही थी कि यार ये सब तो बुरी तरह से जो है वो क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो क्यों ना दिल्ली को पहले तोड़े। और दिल्ली को कैप्चर किया और इस तरीके से रीइंफोर्समेंट कहां से बुलाई? पंजाब से। मतलब दो बातें समझिएगा, दिल्ली जीतने के लिए पंजाब बुलाया, पंजाब में भी तो विद्रोह होना चाहिए था भारत को बचाने के लिए, लेकिन पंजाब के जो आर्मी सैनिक थे वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा दिखाई और उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया कि हम ब्रिटिशर्स के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, नौकरी के हिसाब से हमें ब्रिटिशर्स की बातें सुननी चाहिए। तो पंजाब के लोगों ने दिल्ली का दमन किया और अंग्रेजों की बात सुनी, हिंदुस्तानियों पर गोली चलाई, विद्रोहकर्ताओं के पर गोली चलाई। कहते हैं बहादुर शाह भी अरेस्ट कर दिए गए, क्योंकि दिल्ली के मेन लीडर वही थे। अब लीडर गया तो सबकी शक्ति खुद ही हो जाती है टूट, और टूट जाएगी शक्ति तो कॉन्फिडेंस ढीला होगा, और पकड़कर उनको रंगून भेज दिया गया ताकि यहां रहेगा तो फिर से विद्रोह करेगा। ब्रिटिशर्स ऑफिसर थे जॉन निकोलसन, उनको भी मार दिया जाता है इसी बैटल में। ब्रिटिश क्या करते हैं, कानपुर के नाना को भी पकड़ लेते हैं, लखनऊ में भी इसका दमन कर देते हैं। मतलब ठीक से देखा जाए तो दिल्ली भी दमन कर दिया, रंगून भेज दिया बहादुर शाह जफर को, कानपुर के नाना को भी इलिमिनेट कर दिया, लखनऊ की हजरत महल को भी मार दिया, झांसी की रानी को भी मार दिया, बचा कौन? खान गफ्फार खान को भी इलिमिनेट कर दिया, ठीक है। कुंवर सिंह थे, कितने दिन लड़ते, बिहार वाला, जगदीशपुर वाला, जमशेदपुर वाला सेक्शन भी चला गया। तो ओवरऑल उन्होंने पूरे तरह से खत्म कर दिया। कहते हैं तात्या टोपे मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द कानपुर एंड ज्वाइन लक्ष्मीबाई एंड झांसी। कानपुर में जब कैंपबेल दमन कर रहा था, ठीक है, उस समय नाना साहब भागे और भागकर कहां चले गए? झांसी की रानी के पास, वहां से उसकी तरफ से लड़े, लेकिन वहां से भी क्या हुआ, ब्रिटिशर्स वहां पहुंच जाते हैं 3 अप्रैल को। फाइनली जनरल ह्यूरोज रहता है वहां पर और लक्ष्मीबाई बहुत बढ़िया से लड़ती है, कोशिश करती है, ग्वालियर तक भाग लेती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स अटैक कर देते हैं ग्वालियर में,
कहते हैं झांसी की रानी का घोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा लड़ते लड़ते थक गया तो मर गया, उसके बाद उसको नया घोड़ा लेना पड़ा, नया घोड़ा उतना ट्रेंड और वेल ट्रेंड नहीं था, झांसी के साथ कॉम्पेटेबिलिटी नहीं बना पाया रानी के साथ, और फाइनली झांसी की रानी भी मर जाती है 17 जून को, इनका मार्टायर डेट है 17 जून, ब्रिटिशर्स के पास मर जाते हैं, ब्रिटिशर्स भी इनको ऐसे सैल्यूट मारते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, तो झांसी वाली रानी थी। वैसल ऑफ द महाराजा ऑफ ग्वालियर सिंधिया जो थे उनको भी कैप्चर कर लिया गया, तात्या टोपे भी पकड़ लिए गए, उनको दे दिया गया ब्रिटिशर्स को कि भैया लोग ये है तात्या टोपे, तो सिंधिया लोगों ने थोड़ा सा क्या किया था, सिंधिया लोगों ने क्या किया, तात्या टोपे को पकड़कर अंग्रेजों को दे दिया और उनको लटका दिया गया, मार डाले, इलिमिनेट कर दिया। ब्रिटिश वर एबल टू कैप्चर बरेली, बरेली के जो थे खान बहादुर खान वो भी गए, बनारस में जो विद्रोह कर रहा था वो भी गए, प्रयागराज भी क्या हुआ, इलिमिनेट कर दिया गया, मई जून तक खत्म, मतलब सही से देखा जाए 1 साल के अंदर, 10 मई डेट थी और 10 मई तक में, मतलब 10 मई 1857 डेट थी और 10 मई 1858 तक में 1 साल के अंदर हर जगह के विद्रोह को दमित कर दिया गया, ठीक है। After being defeated, Begum Hazrat Mahal, who led the revolt in Lucknow and Saharanpur, took refuge in Nepal. Begum Hazrat Mahal भी मार दी जाती क्योंकि उन्होंने देखा तात्या टोपे मार दिए गए, झांसी की रानी मार दी गई, तो बेगम हजरत भी औरत होते हुए भी मार दी जाती, तो इसलिए वो चली जाती है नेपाल, ठीक है। The revolt was completely suppressed in July 1858. 1858 तक में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का ये जो बवाल साल भर चला खत्म कर दिया गया। इसके लिए पील आयोग बना था, पील आयोग एक्चुअली इलाहाबाद के करीब में बना था, और इसमें कहते हैं कि एक प्रोमिनेंट लीडर को इसकी जांच के लिए बैठाया गया था इंडिया में, पील आयोग इलाहाबाद में बना था इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हंटर कमेटी भी बनी थी, ठीक है, दो आयोग बने हैं इसकी जांच करने के लिए, क्योंकि ये कर कौन रहा है, एक छोटी सी कंपनी जो इंग्लैंड से आई है और भारत में इतना बड़ा बवाल हो रहा, इंग्लैंड की रानी को नहीं पता, उनको रिपोर्ट करके बताते हैं यहाँ पे छोटा सा बवाल हुआ था, हमने कंट्रोल कर लिया, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने आप को बचा ले जाते हैं, उधर रानी को भी रहता है यार होगा छोटा मोटा बवाल तो होता रहता है, कवर अप कर लिया इन्होंने कागजी कार्रवाई से, अपने आप को डिफेंड कर लिया। फिर कंपनी क्राउन को लगा कि नहीं इसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, तो इंक्वायरी बैठी हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर कमेटी बैठी, कमीशन तो पढ़ाई से भी रिलेटेड होता है हंटर, बट हंटर कमेटी बैठी जो कि 1857 की क्रांति की जांच करना चाहती थी। दूसरी एक कमेटी आई पील आयोग, और एक चीज हुआ याद रखिएगा, कहते हैं कि यहाँ पे मिर्जा गालिब थे, मिर्जा गालिब उन्होंने आंखों से ये माजरा 1 साल तक जो ये मार काट मची थी इसको देखा और अपनी कहानियों में उसके दर्द को बताया अपनी शायरियों में। चलिए बाय द वे आगे चलते हैं, 1857 की क्रांति का दमन हुआ, उसका क्या रिजल्ट निकला, तो दो तीन रिजल्ट निकला। जब क्राउन को पता चला कि यार 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम और पूरा भारत इन्वॉल्व था, तो पक्का कंपनी की कुछ गलती थी, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ गलती थी, तो इससे पूरा का पूरा पावर ले लो, सीधा इससे पावर लेकर किसके हाथ में चला गया पावर, ब्रिटिश के क्राउन, क्राउन मतलब राजा रानी, तो उस समय रानी थी, ब्रिटिश की कंपनी अब भारत से खत्म हो जाती है। 1857 के दमनकारी नीति देखकर ये लोग जान गए कि कंपनी मारकाट मचा सकती है, ये बिजनेस बिजनेस करने नहीं आई, ये जो है वो डिस्टरबेंस कर दिए, तो क्राउन को वहां पर लगता है कि नहीं सही था, अब हम क्या करेंगे, इस तरह की हरकत अब दोबारा कभी नहीं होने देंगे, बुरी बात है ये, और सारा पावर कंपनी से छीन कर कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया, कंपनी के सारे लोग भेज दिए वापस, अब क्राउन अपने लोगों को यहां पर भेजेगी, मतलब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसने हाथ में चला गया, क्राउन के हाथ, ठीक है, मेरी बात समझे। 1857 की रिवॉल्ट का बड़ा हुआ, ब्रिटिश ने पॉलिसीज बदली, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, और ब्रिटिश का एटीट्यूड भी थोड़ा सा क्या हुआ इंडिया की तरफ बदला कि ये गलत हुआ इंडिया लोगों के साथ। आफ्टर द रिवॉल्ट ब्रिटिश क्राउन ने सारा पावर ले लिया, अब सारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश का क्राउन संभालेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नामो निशान देखो ये मैंने मिटा दिया इंडिया से, उत्तर प्रदेश से गायब, मतलब उत्तर प्रदेश ने इतना तो किया कि कम से कम ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी से बदला लिया और उनको इलिमिनेट करवा दी, और यहीं से वॉइसराय वाला कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। वो इंडिया का सेक्शन है, आगे हम देखें। ग्रैंड दरबार लगा,
दिल्ली का एक विशेष दरबार होता है, जैसे 1911 में लगा था दिल्ली में, याद है, और यहीं से राजधानी शिफ्ट करी गई थी, अरे विक्टोरिया वाला। और इसी के पहले 1858 में भी एक ग्रैंड दरबार लगा था। ग्रैंड दरबार कई बार ही लगता है, याद रखिएगा, ग्रैंड दरबार ये वाला कहाँ लगा था, अल्लाहाबाद में, कब लगा है, 1 नवंबर 1858 को। और यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग को लाया गया, फाइनली इसको ब्रिटिश का क्या बनाया गया, मोनार्क विक्टोरिया ने अपॉइंट किया कि आज के बाद तुम यहाँ रहोगे लॉर्ड कैनिंग, और ये क्या करोगे, बताओगे हमें यहाँ पर क्या चल रहा है, और यहीं से वो वॉइस राय बन जाता। ठीक है, तुम्हारी क्या होगी, अपने खुद की बताएंगे, एक सेक्रेटेरिएट होगी, और तुम 15 मेंबर्स की काउंसिल होंगी जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ एक होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर्स। ठीक है, डायरेक्टर्स और कंट्रोलर्स की एक असेंबली होगी, मतलब कि तुम प्रेसिडेंट बनोगे और तुम्हारे लिए लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होंगे जो थिंक टैंक का काम करेंगे। थिंक टैंक का काम करेंगे मतलब क्या, कि ये तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है, लेकिन इनकी राय मानने के लिए तुम बाउंडेड नहीं हो। अब यहीं से हमारा बाई कैमरल सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर्स कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर्स मतलब लोकसभा राज्यसभा, और उनका हेड कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग, जिसको हम पहला वायसराय कहते हैं। चलिए, इस तरीके से पूरा का पूरा शासन क्राउन ने अपने ऊपर ले लिया, पूरी की पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री बन गई, और इस तरीके से सेक्रेटेरिएट भी आ गया। फाइनली क्या हुआ, ब्रिटिश का कैबिनेट आ गया दिल्ली में। अब पूरी की पूरी तरह से डिवीजन देखने को मिली, और पूरा का पूरा नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस को अलग कर दिया गया, एंड द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू इलाहाबाद फ्रॉम आगरा। क्योंकि 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा बवाल उत्तर प्रदेश ने किया था, इसी वजह से दिल्ली से एक एरिया, एक पोर्शन निकाला। द दिल्ली डिवीजन वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस, उसको हटा दिया गया, और ये कहा गया कि अब ये इधर अलग राज्य है, इधर अलग राज्य है। अब जो उधर वाला पोर्शन है, नॉर्दर्न वेस्टर्न वाला छोड़ दो, जो उत्तर प्रदेश वाला पोर्शन है, इसकी अपनी खुद की राजधानी होगी, और वो राजधानी क्या होगी, अल्लाहाबाद ना होकर आगरा राजधानी हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हम देखेंगे 1857 की क्रांति में और क्या हुआ, तो बताएंगे सर 1858 में एक एक्ट आया जिसमें बताया गया कि पोस्ट गवर्नर जनरल को हटा खत्म कर दो, क्योंकि वो क्या था, कंपनी का था। अब कौन आ गया, कंपनी का गवर्नर जनरल को इलिमिनेट कर दो, एबॉलिश कर दो। अब उसकी जगह पर हमने क्राउन ने ले ली जगह, तो अब हमारा आदमी रहेगा, और वो गवर्नर जनरल नहीं होगा, वो क्या होगा, तो बताएंगे सर वो वाइस रॉय होगा। और अब कैनिंग को फाइनल क्या किया जाता है, वाइस रॉय बनाया जाता है, और लास्ट गवर्नर जनरल जो था कैनिंग, अब उसी को हमने क्या कर दिया, फर्स्ट वाइस रॉय बना दिया। मतलब बहुत अच्छा काम किया, इस आदमी को हटाकर दूसरे आदमी को लाना चाहिए था ना, तो इन्होंने उसी का गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म करके उसको नई पोस्ट दे दी, और वो क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल, वाइस रॉय कहलाएगा। फाइनली क्या हुआ, ब्रिटिशर्स गेव अप द पॉलिसी ऑफ टेरिटरी एक्सपेंशन एंड प्रॉमिस्ड द नेटिव्स रूलर्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड प्रेस्टीज। उन्होंने कहा कि आज के बाद अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, किसानों के साथ कोई बुरा नहीं होगा, मजदूरों के साथ कोई बुरा नहीं होगा, सिपाहियों के साथ कोई बुरा नहीं, कोई तुम्हारे धर्म से छेड़खानी नहीं करेगा, अब हम आ गए, हम सब सही कर देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए। फाइनली जो है ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक अच्छी कोशिश करते हैं कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, राजाओं से भी अच्छा संबंध बनाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रिंसली स्टेट है उस पर तुम शासन करो, हम किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और लास्ट तक नहीं करते हैं, हाँ बट अब टेक्निकली डिप्लोमेटिकली करते हैं। तो कैसे करते हैं, आइए देखें। तालुकदार ऑफ अवध वर रीइंस्टेटेड एंड देयर लैंड्स वर गिवन बैक टू देम। कि भैया विद्रोह हुआ है अभी भारत के उत्तर प्रदेश में, अगर हम लोग अभी पोलाइट नहीं होंगे, अगर हम इनके साथ रिस्पेक्ट नहीं दिखाएंगे, राजाओं को इनकी शक्ति वापस नहीं देंगे, पेंशन देना नहीं शुरू करेंगे, इज्जत देना नहीं शुरू करेंगे, धर्म में हस्तक्षेप करना नहीं रोकेंगे, तो ये विद्रोह पूरे भारत में होगा और हमें सब एक साथ भगाएंगे। इसीलिए इन्होंने अच्छा काम करना शुरू किया, अवध के जो तालुकदार थे उनको राइट्स दे दिया, उनके जमीन से रिलेटेड, उनके अधिकार से रिलेटेड जो भी थे। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो समझ गए कि लोकल किंग्स भी यहाँ के सिंपल नहीं है, लोकल किंग्स की मदद से ये विद्रोह हो पाया। झांसी की रानी लोकल किंग है, ठीक है, तातातोपे लोकल किंग है, अपने क्षेत्र के, लोकल मतलब अपने क्षेत्र के।
बेगम अजर माल अपनी क्षेत्र की किंग है, तो यही लोगों ने तो विद्रोह किया, कोई जनता थोड़ी विद्रोह करने आई थी, पावर और पैसा इन्हीं लोगों के पास है, इसलिए इनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और फाइनली क्या हुआ, जमींदार और लोकल किंग्स को क्या किया, ये मान लिया कि ब्रिटिश एम्पायर अगर ठीक से चलाना है तो इन लोगों को अपने पकड़ में रखना होगा, इन लोगों को सम्मान दो, पैसे दो, ऑनर दो, जो भी चाहिए इनको दो, और ये हमारी बात आराम से मानेंगे। और इस तरह से इनके अब राजा ही ब्रिटिशर्स के आदमी बन गए मेन, और राजाओं ने जनता को हैंडल कर लिया। राजाओं को क्या चाहिए, थोड़े पैसे दे दो, फंडिंग कर दो, बाकी हम राजा तो हैं ही अपने जगह के, लोग हमें मानते ही राजा, हमारी बात सुनेंगे, हम तुम्हारी बात जो है वो इंप्लीमेंट कर दें। इसीलिए कुछ लोग पिंडारी लोग कुछ राजाओं से चिढ़ने लगे थे। ठीक है चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, पिंडारी ही नहीं बहुत से लोगों ने उनका विरोध किया था। इस तरीके से ब्रिटिश का साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो, ठीक है चलिए खैर। अगर हम बात करें और कुछ हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, ये लाइन जरा पढ़िए आप लोग, तो रुका हूं मैं, देखिए और समझिए क्या कह रही है ये लाइन, खुद से एक झलक देखिए। तो देख लिया चलिए शुरू करें, बहुत ही आसानी से इस चीज को समझेंगे आप, मैं क्लियर शब्दों में समझा देता हूं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि यार पूरे भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा था जो विद्रोह करा, उसके अगल बगल के लोगों ने, कौन विद्रोह नहीं किया तो बताएंगे कि सर जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट पंजाब वाले, और गोरखा रेजिमेंट, और तो और कुछ और भी ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों का सपोर्ट किए। तो ये जान गए कि यहाँ क्षेत्रवाद चलता है, अगर विद्रोह होना चाहिए था तो पूरे भारत में होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर कुछ लोग हमारा साथ दे रहे हैं और कुछ लोग वहां पे विद्रोह में दे रहे हैं, तो मतलब कुछ तो बात है, और फूट डालो और शासन करो की नीति, ठीक है डिवाइड एंड कंकर का रूल दिख गया। अंग्रेजों ने देखा कि मेन प्रॉब्लम कहां पर हुई, किंग वालों की प्रॉब्लम तो अंग्रेजों ने सॉल्व कर दी कि चलो इनको फंडिंग देकर, थोड़ा रिस्पेक्ट देकर, इनके अधिकार वापस देकर, इनको प्रिंसली स्टेट बना दो, चलो ठीक बन लो करो तुम अपना शासन। अब एक प्रॉब्लम कहां थी, तो पता चला मजदूर और किसान, ठीक है जिसको हम पीजेंट्री और टेरेंट्री कहते हैं, ये लोग छोटे लोग हैं, इनको जब तक राजा नहीं भड़काएगा ये तो नहीं भड़केंगे, चलो ये भी इलिमिनेट हो गया। अब क्या बचा, एक और आदमी था जिसने विद्रोह किया था, वो सेपवाय थे, कौन से सेपवाय, म्यूटनी, सेपवाय म्यूटनी कहा जाता है ना, सेपवाय विद्रोह हुआ था, मेन मंगल पांडे थे, मतलब सिपाही थे, सिपाही के हाथ में बंदूक है और सिपाही के पास दिमाग, शरीर है, शक्ति है, लोग हैं, तो बना देगा विद्रोह करेगा। अब हम करेंगे ऐसा कि सेना में ऊंचे पद पर इंडियंस को नहीं रखेंगे, छोटे पद पे रखेंगे, नीचे पद पे रखेंगे, और क्लासिफाई कर देंगे इनको रेस के हिसाब से, इनके क्लास के हिसाब से, जाट रेजिमेंट अलग बनाई, गोरखा रेजिमेंट अलग बनाई, सिख रेजिमेंट अलग बनाई, और उत्तर प्रदेश के लोगों को भर्ती करना बंद कर दिया। ठीक है आप अभी भी आर्मी में कुछ देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोग ज्यादा आते हैं आर्मी में, उत्तर प्रदेश के लोगों का सिलेक्शन कम है। अब क्या कारण है उसके पीछे, अपने ही भारत में ऐसा कम है, या फिर हो सकता है उत्तर प्रदेश के लोग इंटरेस्ट ना लेते हो, या उनके अंदर वो क्वालिटी आर्मी वाली ना हो, क्योंकि पहाड़ी लोगों का शरीर और दिमाग मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश वालों का दिमाग आईएएस पीसीएस में मजबूत होता है, ठीक है तो हो सकता है इस वजह से, लेकिन उत्तर प्रदेश से अब वो जो है वो डिपार्टमेंट आर्मी वाला डरने लगा। ठीक है चलिए खैर बाय द वे देखते हैं, इस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया कि अब से गोरखा लोगों का अलग रेजिमेंट होगा, उसी में इंडियन यूपी बिहार सब नहीं डाल देंगे, दिल्ली वाले अलग, गोरखा अलग, सिख अलग, यूपी अलग, सबका अलग, और बड़ी ऊंची पोस्ट नहीं देंगे, ज्यादा ऊंची पोस्ट पे अपने इंडियंस को ना बैठाकर अंग्रेज लोगों को बैठाएंगे। तो वही किया इसने, जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो टॉप पोस्ट पर ब्रिटिशर्स बैठेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी ब्रिटिशर्स ही होंगे, और इस तरीके से इंडियन आईसीएस की जो परीक्षा होती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज जिसको आईएएस अभी कहते हो आप लोग, ये लंदन में होंगे, ताकि जिसको देना है वो वहां जाकर दे, नहीं देना है मत दो, मत बनो ऊंची पोस्ट पर, अगर देना है तो हमारे यहाँ कर दो, और हमारे यहाँ कर देने में डोमिनेशन भी फील होगा, और इसकी एज भी कम कर दी, ठीक है कम कर दी, कि कम बुद्धि है तो जल्दी आईएएस का एग्जाम नहीं निकाल, 21 साल से 19 साल कर दी। पहले आईएएस कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद है ना, चलिए पैटर्न ऑफ द आईसीएस एग्जाम भी क्या कर दिया गया, ऐसा बनाया कि इंडियन ना निकाल पाए वो एग्जाम, ज्यादातर जो है वो अंग्रेज निकाल लें, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, The proportion of Indians in the ICS remained quite low until 1920. और तब से लेकर 1858 से लेकर
1858 से लेकर 1920 तक, इतने दौर तक आईएएस का एग्जाम बहुत कठिन कर दिया गया, उम्र भी कम कर दी गई, ऊपर से पेपर भी कठिन किया गया, और तो और ये लंदन में कंडक्ट कराने लगे कि किसी तरह से कोई आईएएस आईसीएस का अधिकारी ना बन जाए कोई इंडियन, क्योंकि ऊंची पोस्ट पर बैठकर वो गलत काम और विद्रोह खड़ा कर सकता है। चलिए फाइनली ये हुआ रिजल्ट हमारे किसका, 1857 की क्रांति का विद्रोह। ठीक है, रिजल्ट कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे आगे चलकर कि 1857 की क्रांति के समय में कुछ किसानों ने भी विद्रोह किया था। ठीक है, तो बताएंगे जब 1857 की विद्रोह हो गई, अब राजा को अपना अधिकार दे दिया, सैनिकों को उनके अधिकार छीन लिए, ऊंची पोस्ट पर कोई अधिकारी जा नहीं रहा, अब बचे किसान और मजदूर। राजा भी धीरे से हाथ दबा लिए कि यार विद्रोह करके क्या ही मिला, तो इसलिए मजदूरों और किसानों के ऊपर भी जो सपोर्ट था राजाओं का वो भी हटा लिया। अब किसान मजदूर अकेले पिस रहे हैं और ये अपने स्तर से छोटे छोटे स्तर पे विद्रोह करना शुरू करते हैं। अगली क्लास में हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास के लिए तैयार हो जाइए। अगली क्लास में हम लोग किसानों का विद्रोह पढ़ेंगे, दो तीन मुख्य विद्रोह हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जब अंग्रेज चले जाते हैं पूरा जो विद्रोह तब खत्म हो जाता है, किस तरीके से पार्टीशन होता है इंडिया का, पार्टीशन के समय में उत्तर प्रदेश का क्या रोल था। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कि आखिर हमारा रिवॉल्ट जो हुआ 1857 का, उसके बाद किसानों ने क्या क्षेत्रीय स्तर पर विरोध करना शुरू किया कि नहीं। चलिए आज के लिए बस करते हैं, अगली क्लास के लिए सभी तैयार हो जाए, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।